मंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके साथ ही मानेसर लैंडस्कैम घोटाले के तमाम आरोपी आज पंचकुला के सीबीआई की विशेष कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान इस मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख मुकर्रर कर दी गई। हरियाणा के बहुचर्चित मानेसर जमीन घोटाले केस की सुनवाई सोमवार को पंचकुला स्थित सीबीआई की विशेष कोर्ट में हुई। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए और आज की सुनवाई में आरोपियों पर लगे चार्ज पर बहस हुई। मानेसर मामले में चार्जेस के ऊपर बहस हो रही है। डिफेंस की तरफ से बहस हो चुकी है। आज प्रोसिक्यूशन की तरफ से सीबीआई की तरफ से सीनियर पीपी ने अपनी बहस की थी। उन्होंने पहले भी बहस कर चुके हैं, आज वो रिबटल में बहस कर रहे थे। साथ ही उन्होंने एक एफिडेविट फाइल किया है जिसमें ये बताया गया है कि उनकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी पेंडिंग है। वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन अतुल बंसल और उनकी कंपनीज के लिए पेंडिंग है। वही मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख मुकर्रर कर दी गई है और अब मामले में अगली सुनवाई 23 मार्च को की जानी है। आगे अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने तारीख 23 मार्च 2020 लगा दी है जिसमें और बहस होगी। बहुचर्चित मानेसर लैंडस्कैम घोटाले के केस को लेकर जो सुनवाई हुई है उसमें आज चार्जेस पर बहस हुई। वहीं 23 मार्च को होने वाली सुनवाई के दौरान भी आरोपों पर बहस संभव है।